हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप ऑल ऑफ़ यू विल बी गुड। दिस इज़ जागृति। सो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए फिर एक नया टॉपिक। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। जैसे फ्रेंड्स, क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक पर्सन जो है उसमें अलग अलग ब्लड ग्रुप होता है, तो उन्हीं के बारे में हम आज पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट, इंडिविजुअल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन ऑन द सर्फेस ऑफ देयर आरबीसी। प्रत्येक जो इंडिविजुअल है, अलग अलग जो पर्सन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन, मतलब क्या है, उनमें अलग अलग एंटीजन उनके सर्फेस पे, जो आरबीसी की सर्फेस है उस पर पाए जाते हैं। दीज एंटीजन विच आर इनहेरिटेड डिटरमाइन द इंडिविजुअल ब्लड ग्रुप। और ये जो फ्रेंड्स एंटीजन्स होते हैं, ये एंटीजन जो होते हैं वो जेनेटिक होते हैं। मींस हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी, जो हमारा जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, तो ये जेनेटिक जो है ब्लड ग्रुप होता है प्रत्येक इंडिविजुअल का। थर्ड पॉइंट हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स, इफ़ इंडिविजुअल आर ट्रांसफ्यूज्ड विद ब्लड ऑफ द सेम ग्रुप, देयर इम्यून सिस्टम विल नॉट रिकॉग्नाइज देम बिफोर एंड विल नॉट रिजेक्ट देम। मींस क्या है फ्रेंड्स, अगर इंडिविजुअल है, अगर किसी पर्सन को ब्लड चाहिए, जैसे कि अगर उनको ब्लड चाहिए या ब्लड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो जिस पर्सन को, मतलब यानी कि जो पर्सन ले रहा है ब्लड, मतलब कि जो रिसेप्टर है, ब्लड रिसेप्टर है, तो उसका ब्लड ग्रुप जो देने वाला ब्लड ग्रुप है यानी कि डोनेटर, उससे सेम होना चाहिए। अगर ब्लड ग्रुप दोनों का सेम नहीं होता है, यानी कि डोनेटर और रिसेप्टर का ब्लड ग्रुप सेम नहीं होता है, तो क्या होता है, तो पर्सन जो होता है वो एक्सेप्ट नहीं करता है, वो रिजेक्ट कर देता है। फिर फ्रेंड्स देखते हैं फोर्थ पॉइंट, देयर आर मैनी डिफरेंट कलेक्शन ऑफ रेड सेल सरफेस एंटीजन, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर द एबीयू एंड रेसेस सिस्टम। फ्रेंड्स क्या है, बहुत सारे डिफरेंट कलेक्शंस होते हैं रेड ब्लड सेल्स, जो रेड सेल्स होती हैं उनके एंटीजन्स जो होते हैं, डिफरेंट सेल्स यानी कि बहुत सारे कलेक्शन होते हैं, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कलेक्शन है ब्लड के, वो कौन सा है, एबीयू सिस्टम एंड रेसेस सिस्टम, एबीयू एंड रेसेस सिस्टम। सो फ्रेंड्स, हम इसके बाद ये आगे का जो पढ़ेंगे एबीयू सिस्टम के बारे में एंड रेसेस सिस्टम के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स एबीयू सिस्टम एंड रेसेस ब्लड ग्रुप। सो फ्रेंड्स, ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, जब क्या होता है, जब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो रहा है, यानी कि ब्लड कोई दे रहा है या ब्लड ट्रांसफ़र हो रहा है डोनेटर एंड रिसेप्टर के बीच, द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप सिस्टम, तो क्या होता है, टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होते हैं ग्रुप सिस्टम होते हैं, एग्जामिनेट आर द एबीयू सिस्टम एंड द रेसेस सिस्टम। कौन कौन से ब्लड ग्रुप सिस्टम है, एबीयू सिस्टम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड दूसरा रेसेस सिस्टम। ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूज़न यानी कि ब्लड जब ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लड ग्रुप होते हैं, दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम होते हैं, एग्जामिनेट आर द एबीयू सिस्टम एंड रेसेस सिस्टम। कौन कौन से दो इम्पॉर्टेंट, एबीओ सिस्टम एंड दूसरा रेसेस सिस्टम। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट, द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फोर टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एबीओ के बारे में जानते हैं हम, जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है वो फोर टाइप्स के ब्लड ग्रुप को कंसिस्ट करता है, यानी कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में चार प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। वो कंसिस्ट करता है कौन कौन से, ए बी एंड ओ, ये चार जो टाइप हैं ब्लड ग्रुप सिस्टम के, इसमें एबीओ जो सिस्टम होता है ये कंसिस्ट करता है, बेस्ड ऑन द एंटीजन एंड एंटीबॉडी ऑन रेड ब्लड सेल्स एंड इन द प्लाज्मा। किसके बेस पे ये कंसिस्ट करता है, जो इन ग्रुप का एंटीजेंस होते हैं एंड जो इसके बॉडी एंटीबॉडीज होती हैं, किसमें, रेड ब्लड सेल्स पर, प्लाज्मा में, ठीक है। एबीओ सिस्टम जो होता है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम चार प्रकार के ब्लड ग्रुप को कंसिस्ट करता है, कौन कौन से, ए बी एंड ओ, जो मेनली ये बेस्ड होता है एंटीजन एंड एंटीबॉडी पर, रेड ब्लड सेल्स प्लाज्मा में, रेड ब्लड सेल्स के सर्फेस पर। और फ्रेंड्स देखते हैं रेसेस सिस्टम, रेसेस सिस्टम, देयर आर सेवरल सब ग्रुप ऑफ RH एंटीजन CDE। रेसेस सिस्टम जो होते हैं उनमें बहुत सारे सेवरल सब ग्रुप होते हैं, जो ABU है उसमें सिर्फ कितने ग्रुप होते हैं, चार, ए बी ए ए बी ए
एंड ओ, ठीक है। बट रिसेस सिस्टम जो होता है उसमें सेवरल सब ग्रुप होते हैं, बहुत सारे सब ग्रुप होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए कहा जाए तो सी डी ई, स्मॉल में सी डी ई एटसेट्रा। बट इसमें और भी होते हैं, सेवरल सब ग्रुप होते हैं। बट ए बी ओ में सिर्फ चार होते हैं, ए बी एंड ए बी एंड ओ। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं ए बी ओ के बारे में एंड उसके बाद देखेंगे रिसेस स्प्लिट ग्रुप के बारे में। सो फ्रेंड्स ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, फ्रेंड्स ये क्या है? द बेसिस ऑफ ए बी ओ ग्रुप ग्रुपिंग इज ऑफ टू एंटीजन। मतलब कि ए बी ओ ग्रुपिंग जो है उसके टू एंटीजन्स बेसिस होते हैं, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। द ए बी ओ ग्रुपिंग सिस्टम इज क्लासीफाइड इंटू फोर टाइप्स बेस्ड ऑन द प्रजेंस और एबसेंस ऑफ एंटीजन ऑन द रेड ब्लड सेल्स सरफेस एंड प्लाज्मा एंटीबॉडीज। ए बी ओ ग्रुपिंग सिस्टम जो है वो क्लासीफाइड है फोर टाइप्स में। ये हम पहले भी देख चुके हैं, जो ए बी ओ ब्लड ग्रुप है सिस्टम है वो चार प्रकार के ब्लड ग्रुप जो है कंसिस्ट करता है, ए बी ए बी एंड ओ। तो फोर टाइप्स में ए बी ओ सिस्टम जो है वो क्लासीफाई किया गया है। किसके आधार पर? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन। जो किसके बेस पे क्लासीफाई किया गया है? जो रेड ब्लड सेल्स हैं प्लाज्मा में, जो रेड ब्लड सेल्स के प्लाज्मा में जो एंटीजन हैं एब्सेंस एंड प्रेजेंस, उसके बेस्ड पे ये क्लासीफाई किया गया है। अब हम इसके देख लेते हैं जो इनके फोर टाइप्स हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी एंड ग्रुप ओ। फ्रेंड्स ग्रुप ए कॉन्टेंस एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, एंटीबॉडी बी। ये कंटेन क्या करता है? ये एंटीजन ए कंटेन करता है एंड एंटीबॉडीज में बी होती है। ग्रुप ए में एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी बी होती है एंड ग्रुप बी में एंटीजन जो होता है वो बी होता है एंड एंटीबॉडी जो होती है वो ए होती है। ग्रुप ए बी में क्या होता है? कंटेन बोथ ए एंड बी एंटीजन। ये मतलब दोनों ए एंड बी दोनों एंटीजन्स में कंटेंट होते हैं बट एंटीबॉडीज़ में नहीं होती है, एंटीबॉडीज़ में नहीं होती है। ग्रुप ओ कंटेन नेदर ए नॉर बी एंटीजन एंड बोथ एंटीजन ए एंड बी। ग्रुप ओ में क्या फ्रेंड्स होता है? इसमें ए और बी दोनों एंटीजन नहीं होते हैं बट दोनों एंटीबॉडीज़ होती हैं। ग्रुप ए में जो है वो ए एंड बी एंटीजन जो होता है वो ए होता है, एंटीबॉडी बी होती है। ग्रुप बी में जो है फ्रेंड्स एंटीजन बी होता है और एंटीबॉडी ए होती है। और ग्रुप ए बी में क्या होता है? ए एंड बी दोनों एंटीजन्स होते हैं और एंटीबॉडीज़ नहीं होती हैं। और ग्रुप ओ में एंटीजन नहीं होते हैं और एंटीबॉडीज़ होती हैं, ए एंड बी बोथ। अब फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। द ए बी ओ ग्रुप सिस्टम इज इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग ब्लड डोनेशन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन एज मिसमैचिंग और ब्लड ग्रुपिंग। ए बी ओ ग्रुप सिस्टम जो होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है जब कोई व्यक्ति ब्लड ट्रांसफर कर रहा है, जब दे रहा है ब्लड, तो जो ए बी ओ ग्रुप सिस्टम होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है जब ब्लड ट्रांसफर हो रहा होता है। किस लिए इम्पॉर्टेंट होता है? कैन लीड टू क्लम्पिंग ऑफ रेड ब्लड सेल्स विद वेरियस डिसऑर्डर। क्योंकि जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनके बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं उनको मैच करने के लिए, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ब्लड सेल्स मैच वाइल ट्रांसफ्यूजिंग। जैसे कि ये ए बी ओ ग्रुप सिस्टम जो होता है वो इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि जब कोई ब्लड ट्रांसफर कर रहा है तो उसको मैच करने के लिए कि जो डोनेटर है, मतलब जो दे रहा है ब्लड, और जो रिसेप्टर है यानी कि जो ब्लड ले रहा है, वो दोनों का ब्लड यानी कि डोनेटर का ब्लड और रिसेप्टर का ब्लड दोनों का मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये जानने के लिए मैच करने के लिए ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। कंपेटिबिलिटी इज़ नेसेसरी मीन्स ये बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए तो आप पर्सन ऑफ ब्लड ग्रुप ए कैन रिसीव ब्लड एदर फ्रॉम ग्रुप ए और ओ। मतलब कि जो पर्सन ए, एक पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप जो है वो ए है,
ठीक है, तो वो जो उसका ब्लड ग्रुप ए है एक पर्सन का, तो ब्लड वो कौन सा ब्लड ले सकता है? वो ए और ओ, ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है। जिस किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए हो या ब्लड ग्रुप ओ हो, तो पर्सन जो ब्लड ग्रुप ए वाला है वो ले सकता है, जो रिसेप्टर है वो ए और ओ दोनों से ले सकता है। देयर आर नो एंटीबॉडीज फॉर ए एंड ओ इन ब्लड ग्रुप ए, मतलब कि एंटीबॉडीज जो होती हैं वो सेम होती हैं इनकी। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग ब्लड ग्रुप, कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन सा ग्रुप किस ग्रुप को दे सकता है, कौन से ब्लड ग्रुप वाला पर्सन जो है वो अनदर ग्रुप वाले पर्सन को जो है ब्लड दे सकता है। फ्रेंड्स तो टाइप ए पढ़ते हैं, दिस कैन बी डोनेट टू दोज विद टाइप ए और ए बी ब्लड ग्रुप। जो ब्लड टाइप ए है वो क्या दे सकता, अगर किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो वो किसी अनदर पर्सन को देगा, अगर दूसरे पर्सन को दे रहा है तो उसका भी ब्लड ग्रुप ए हो या फिर ए बी ब्लड ग्रुप वाले को दे सकता है, ठीक है। और फिर देखते हैं फ्रेंड्स, दिस ब्लड कैरी द ए एंटीजन, और जो ब्लड ग्रुप ए होता है वो उसमें एंटीजन ए पाया जाता है। आप देखते हैं टाइप बी, दिस कैन बी डोनेटेड टू दोज विद टाइप बी और ए बी ब्लड, और जो ब्लड ग्रुप जिसका बी है, जिस किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है वो दे सकता है बी और ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है बी। और फ्रेंड्स जो टाइप बी होता है उसमें बी एंटीजन पाया जाता है। फ्रेंड्स देखते हैं ए बी थर्ड टाइप ए बी देखते हैं फ्रेंड्स, दिस ब्लड कैन ओनली बी डोनेटेड टू अदर पीपल विद द ए बी ब्लड टाइप, मीन्स ये इस वाले ब्लड ग्रुप के व्यक्ति जो हैं वो डोनेट कर सकते हैं अदर पीपल को जो ए बी ब्लड टाइप के होते हैं, जिनमें ए बी ब्लड ग्रुप पाया जाता है। और इसमें जो एंटीजन्स फ्रेंड्स होते हैं ए बी टाइप में, वो ए एंड बी एंटीजन्स होते हैं। अब हम देखते हैं टाइप ओ, दीज ब्लड सेल्स हैव नो एंटीजन्स सो कैन बी डोनेटेड टू पीपल ऑफ एनी ब्लड ग्रुप, मीन्स दीज ब्लड सेल्स हैव नो एंटीजन्स, इसमें एंटीजन्स नहीं होते हैं, सो कैन बी डोनेटेड टू पीपल ऑफ एनी ब्लड ग्रुप, इसलिए जो ओ ग्रुप वाला होता है ये किसी भी पर्सन को जो है ब्लड दे सकता है। अब फ्रेंड्स देखते हैं रिसेस सिस्टम, फ्रेंड्स रिसेस सिस्टम के बारे में देखते हैं, दिस सिस्टम वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन रिसेस मंकीज, ये जो रिसेस सिस्टम होता है ये सबसे पहले जो है मंकीज पे अप्लाई किया गया था, डिस्कवर किया गया था। रिसेस सिस्टम डिस्कवर्ड इन 1937 बाय कार्ल लैंडिस टेनर एंड अलेक्जेंडर एस वेनर, ये जो है वो 1937 में कार्ल लैंडिस एंड अलेक्जेंडर एस वेनर ने डिस्कवर किया था। इन दिस सिस्टम देयर आर सेवरल सब ग्रुप ऑफ आरएच एंटीजन, इस सिस्टम में बहुत सारे सेवरल सब ग्रुप्स होते हैं, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। और इसमें जो एंटीजन्स होते हैं वो सी डी ई होता है एंड स्मॉल सी डी ई और एटसेट्रा और भी होते हैं। फोर्थ पॉइंट फ्रेंड्स, आउट ऑफ ऑल एंटीजन द डी एंटीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन सब में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है यानी कि जो एंटीजन्स रिसर्च सिस्टम में पाए जाते हैं सी डी ई और बहुत सारे होते हैं, बट जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो डी एंटीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। वेन आर एच इज प्रजेंट इन द आर बी सी, जब आर बी सी में आर एच प्रजेंट होता है, यानी कि अगर किसी पर्सन में आर एस टी प्रेजेंट है तो मींस वो पर्सन जो है आर एस पॉजिटिव है। अगर किसी भी पर्सन में डी एंटीजन आर एस टी प्रेजेंट है तो पर्सन जो है आर एस पॉजिटिव है। अगर किसी भी पर्सन में एब्सेंट है, किसी भी पर्सन में आर एस टी एब्सेंट है यानी जो डी एंटीजन है वो एब्सेंट है, तो पर्सन जो कहलाएगा वो निगेटिव आर एस कहलाएगा। अबाउट 90% ऑफ
90% of Indian population are positive and 10% are negative. लगभग हमारे इंडिया की पॉपुलेशन में 90% जो लोग हैं वो पॉजिटिव हैं एंड 10% जो हैं वो निगेटिव हैं. सो फ्रेंड्स, ये हमने पुश पढ़ा था ब्लड ग्रुपिंग के बारे में. आई होप आपको पसंद आया होगा, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. सो फ्रेंड्स, अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.